जय धर्मेश। मैं आदिवासी समाज नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण के मुख्य प्रशिक्षक चित्रंजन उराव बोल रहा हूँ। आज मैं ऐसे टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ जो हमारे आदिवासी समाज के बहुत सारे लोगों का सोच होता है, बहुत सारे लोगों का विचार होता है कि हमारे समाज भी में एक तरह से स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए और इस कॉलेज और स्कूल के माध्यम से हमारे धर्म और संस्कृति का भी पढ़ाई हो ताकि हम सुरक्षित और व्यवस्थित रह सकते हैं, अपने बच्चों के अंदर में अच्छा चीज़ डाल सकते हैं। तो मैं आज एक बेहतरीन और सुंदर सा स्कूल जो आदिवासी परिवार में चल रहा है इस स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये स्कूल का नाम है पाढ़ा आदिवासी बाल विकास विद्यालय मुड़मा। ये बहुत बेहतरीन स्कूल है। ये स्कूल में हमारे 11 जनवरी 1999 से शुरुआत किया गया है और इस यह स्कूल पाढ़ा कंदरी और मुड़मा के द्वारा पहान पनबारा महतो मतलब सारे लोग से मिल के ये स्कूल का संचालन हो रहा है। ये स्कूल में 300 से ऊपर बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और 200 से ऊपर बच्चे लोग हॉस्टल में रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से वो शिक्षा सीख रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा चीज़ है कि इस स्कूल में कुड़ुख लिपि का भी व्यवस्था किया गया है। ये स्कूल में बहुत अच्छा अच्छा बातों को सिखाया जाता है, हमारा संस्कृति, हमारा रीति रिवाज, हमारा भाषा के बारे में सिखाया जाता है। और ये स्कूल ऐसे जगह पर है जहाँ पर हमारे आदिवासियों का केंद्र ऐतिहासिक मुड़मा जतरा स्थान सारे लोग जानते हैं। यहीं पर एक बहुत ही अच्छा से स्कूल चल रहा है, आप लोगों को जानकारी नहीं है। ये स्कूल हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। आज जो बहुत लोगों की इच्छा था वो इच्छा पूरा होने की ओर है और यहाँ के जो बच्चे हैं मैं देखता हूँ बहुत अनुशासित है और यहाँ को जो टीचर्स हैं, यहाँ को जो संचालक है, सारे लोग एक दूसरे से मिलते हुए और अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से काम करते हैं और सारे बच्चे यहाँ का धर्म और संस्कृति बचाने के लिए प्रार्थना भजन डेली करते हैं। तो मैं बहुत ही विशेष दो बात यहाँ इस स्कूल का बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले चाहूँगा कि यहाँ का जो बच्चे जो प्रार्थना और भजन गाते हैं और सीखे हुए हैं उस चीज़ को हमें थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। तो मैं अपने बच्चों को चाहूँगा कि एक बेहतरीन प्रार्थना के द्वारा आप अपना चीज़ को दिखाने का प्रयास करिए। चलिए सभी को जय धर्मेश। स्वर्गीति सुंदर चाला टोंकराई भाई बगरो बहिनी बगरो स्वर्गीति सुंदर चाला टोंकराई भाई बगरो बहिनी बगरो हमें करे दादा दियो समझ ना मैं करे दादा।
देखा ये हमारे बच्चे हैं जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत बेहतरीन तरीका से बच्चों को अपने धर्म और संस्कृति के बारे में सिखाया जा रहा है। इस स्कूल में एक दो बहुत बड़ा हैसियत और बहुत इम्पोर्टेंट्स बातें जो सिखाया जा रहा है वो सिखाया जाता है कि प्रत्येक दिन शाम के समय में धर्म क्लास चलाया जाता है। ये बहुत ही गर्व की बात है। सारे आदिवासियों से कहना चाहेंगे इस स्कूल के लिए आप लोग अपने अपने स्तर पर जितना हो सके इस प्रकार का सहयोग करने का कोशिश करें ताकि आप तन से मन से विचार से और कुछ न कुछ धन से भी मदद करने का जरूर प्रयास करें ताकि ये स्कूल और इसी प्रकार की हम और भी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास चला पाएँ, क्योंकि आज हर एक समाज के लोग पढ़ाई के साथ साथ में अपना धन अपना रीति रिवाज अपने संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये स्कूल भी बहुत बेहतरीन तरीका से चल रहा है। तो पहला इस स्कूल का विशेषता ये है कि प्रत्येक दिन शाम के समय में 2 घंटा धर्म क्लास चलाया जाता है। इस धर्म क्लास में ये बताया जाता है कि आपको मंदिर कैसे बजाना चाहिए, आपको किस प्रकार के अपने धर्म को रक्षा करना चाहिए, अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए, अपने रीति रिवाज के अनुसार चलना चाहिए। एक कहिए तो एक प्रकार से धर्म के प्रति रीति रिवाज के प्रति अपने समाज के प्रति बचपन से ही प्यार और प्रेम डालने का कोशिश करते हैं। ये पहला सबसे बड़ा विशेषता मुझे लगा। दूसरा विशेषता ये है कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक पाढ़ा मुड़मा मेला लगता है। इस मुड़मा मेला स्थान में ही एक शक्ति खूटा है। ये शक्ति खूटा हमारे आदिवासियों का बहुत बड़ा एक आस्था और विश्वास का केंद्र है। इसमें बहुत लोग आते हैं और हर सप्ताह आते हैं, हर रोज खाने के साथ आते रहते हैं और उसी जगह पर यहाँ के बच्चे प्रत्येक संडे को बहुत ही खुशी और हंसी खुशी से जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, भजन करते हैं और उसका जो माइंड है उस माइंड को हम धर्मेश के प्रति एकाग्र करने का कोशिश करते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ में धर्मेश का भी नाम लेते रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और इसी जैसे 1-1.5 घंटा वहाँ प्रार्थना होने के बाद में बच्चों को एक ऐसा शिक्षा दिया जाता है, वो शिक्षा आदिवासी समाज नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है कि आप अपना कैसे नेतृत्व कर पाए, आप अपने परिवार का कैसे नेतृत्व कर पाए, अपने समाज का कैसे नेतृत्व कर पाए ताकि हम जो आप लोभ लालच प्रलोभन या किसी प्रकार का कोई भी चीज में लोभ लालच में ना फंसे और हम एक नेक और बेहतरीन और अच्छा इंसान बन के हम आए, हमारे बच्चों को सिखाए, हमारे समाज को एक बृहद और बड़ा उद्देश्य के साथ में जीवन व्यतीत करने के लिए हम प्रोत्साहित और उत्साहित करते हैं ताकि वो लगातार अच्छे और सुंदर और अच्छा खुशमिजाज बन के समाज को बेहतरीन ढंग से आने वाले दिन में हजारों लीडर के साथ में और नेक लीडर के साथ में पैदा हो सकता। आज हमारे समाज में लीडर की बहुत सारी कमियां हैं। इस कमी को इस जो छोटा सा प्रयास है इस प्रयास के साथ में हम पूरा कर सकते हैं ऐसा मुझे विश्वास लगता है। अगर ये बातें आपको भी अच्छा लगता है तो मैं सारे आदिवासियों से या कोई भी है उससे मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये मेरी बातों को अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें कि ये स्कूल को देख के और लोग भी प्रेरित हो पाएं और जगह जगह और भी हम स्कूल खोल सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपना बातों को समाप्त करता हूं। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।